दोस्तों, जब जब हम हताश, निराश और परेशान हुए हैं, जब जब हम पर कोई मुसीबत आई है और हमें कोई रास्ता नहीं सूझा है, तब तब हमने गुरुदेव को पुकारा है और गुरुदेव ने बड़ी सहजता और सरलता के साथ हमारी प्रत्येक समस्याओं का समाधान किया है। दोस्तों, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से आज जिनकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, उनका नाम है भास्कर प्रसाद, जो नई दिल्ली के रहने वाले हैं। इससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, भास्कर प्रसाद जी बताते हैं कि सन 1986 के शुरुआती दिनों में वे शांति कुंज से थोड़ी दूर रायवाला छावनी के सैनिक आवास में अपनी बीमार पत्नी उर्मिला लाल के साथ रहते थे। रांची के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रमन और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार उनकी पत्नी को ब्लड कैंसर था। चिकित्सकों की यही एक राय थी कि उनकी मृत्यु 6 महीने के अंदर हो ही जाएगी, इसलिए वे अपनी पत्नी को अपने पास रायवाला लेकर आ गए थे। उनकी पत्नी को दिन में 2 बार 106 डिग्री के तापमान का बुखार चढ़ता था, जो किसी भी दवा से थमता नहीं था और लगभग 2 घंटे तक ही रहता था। रुड़की मिलिट्री हॉस्पिटल के कर्नल साहब ने भी स्वयं टेस्ट करके उनके ब्लड कैंसर की पुष्टि की थी। तभी रायवाला छावनी के मेजर सक्सेना ने सलाह दी कि वे अपनी पत्नी का इलाज शांति कुंज में करवाएं। उर्मिला जी दिनों दिन दुबली होती जा रही थी। 17 से 20 दिनों से खाना बंद था। खाने का प्रयास करते ही उल्टी हो जाती थी। वे किसी तरह उन्हें जीप में बिठाकर शांति कुंज लेकर गए और डॉक्टर राम प्रकाश पांडे के सामने खड़े हो गए। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने सलाह दी कि सबसे पहले वे माता जी के दर्शन कर लें, क्योंकि उस समय माता जी के दर्शन का समय शुरू हो चुका था। इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ उनके दर्शन को चले गए। आधे अधूरे मन से वे माता जी के दर्शन के लिए चल पड़े, क्योंकि उनके मन में धार्मिक गुरुओं के प्रति अच्छी धारणा नहीं थी। अपने पिछले अनुभवों के कारण वे उन्हें समाज का नासूर मानते थे। किसी प्रकार पत्नी को सहारा देकर पहले तले पर लेकर गए, जहां माता जी बैठी थी। पत्नी रो रो कर अपना दुखड़ा माता जी को सुना रही थी। तभी माता जी ने बड़े स्नेह और दुलार से कहा, अरे बेटी, तुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है, वैसे ही दुखी हो रही हो। तू तो अभी बहुत जिएगी और गुरुदेव का कार्य भी करेगी, छोटी सी बीमारी है, पांडे जी से जड़ी बूटी लेकर ठीक हो जाएगी। माता जी के शब्दों ने ना जाने कैसा जादू किया और भास्कर जी भाव विवल हो उठे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। उन्होंने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने कहा, भोजन प्रसाद लेकर ही जाना। उस समय ऊपर से ही भोजन की व्यवस्था की गई थी। पता नहीं कैसे पत्नी ने भी आधी रोटी खा ली थी। डॉक्टर पांडेय जी के पास आने पर उन्होंने एक दवा खिलाई और कुछ देर और बैठने को कहा। 10 मिनट के बाद उनकी पत्नी को ढेर सारी उल्टियां हुई। उल्टी इतनी बदबूदार थी कि जैसे कोई जानवर मरकर सड़ गया हो। पास खड़े एक व्यक्ति ने हाथ मुंह धुलवाया और अपने हाथों से फर्श की सफाई की। भास्कर जी सेवा भावना के इस रूप से परिचित नहीं थे। उन्होंने सोचा कि कोई सफाई कर्मचारी होगा। उन्हें तो बाद में पता चला कि सफाई करने वाले सज्जन उड़ीसा से आए हुए एक एमबीबीएस थे, जो आदरणीय पांडे जी से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वे अपनी पत्नी को वापस रायवाला लेकर आ गए। वहां चिकित्सा प्रारंभ हुई और पहले दिन ही बुखार 102 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ा, दूसरे दिन केवल 101 डिग्री तक रहा और रात्रि के 2 बजे के आसपास उनकी पत्नी ने
उन्हें जगाया और कहा कि मुझे खाना चाहिए, भूख लगी है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार भास्कर जी ने एक सेब के 4 टुकड़े किए, आधे ग्लास पानी में उबालकर जूस को ठंडा करके पानी पीने को दिया। सेब का जूस पीकर उन्होंने कहा कि वह रोटी खाएंगी। भास्कर जी को लगा कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। यही सोचकर उन्होंने उन्हें 2 रोटियां सेक कर दी। पहली रोटी खाते ही उन्हें नशा सा हो गया और वह बिना हाथ धोए ही सो गई, ऐसे जैसे बेहोश पड़ी हो। सुबह 4:30 बजे उन्होंने बाबूजी डॉक्टर रामप्रकाश पांडे को फोन कर सारी बातें बताई। उन्होंने पिता की तरह थोड़ी उन्हें डांट सुनाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि वे जल्द से जल्द अपनी पत्नी की नींद खुलते ही उन्हें शांति कुंज लेकर आए। शांति कुंज पहुंचने पर उन्होंने दोबारा ही उर्मिला जी का निरीक्षण किया, दवाइयां बदल दी और उन्होंने विशेष निर्देश भास्कर जी को दिया कि जो खान पान और चिकित्सा से संबंधित थे। उन्होंने कहा, ठीक से देखभाल करोगे तो 10 दिनों में 14 किलो वजन बढ़ जाएगा और शरीर में नई जान आ जाएगी। नकारात्मक सोच में डूबा हुआ भास्कर जी का मन अपने आप से कह उठा, वाह, बड़ा डॉक्टर आ गया, 10 दिनों में 14 किलो वजन बढ़ जाएगा। पर भास्कर जी ये नहीं जानते थे कि महाकाल के इस घोंसले में जड़ चेतन सभी केवल उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके शिष्य जो कहें वैसा ना हो यह असंभव है। 10 दिनों के बाद जब वे पुनः जांच कराने आए तो पाया कि उनकी पत्नी का वजन 14 किलो बढ़ चुका था। उस दिन वह स्वयं सीढ़ियां चढ़कर वंदनीय माता जी के पास आशीर्वाद लेने गई थी। 6 महीने की चिकित्सा के बाद जब वह पुनः मिलिट्री अस्पताल रुड़की में कैंसर का टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट देखकर कर्नल साहब देर तक अपनी पत्नी को अविश्वास्य की दृष्टि से देखते रहे। रिपोर्ट में कैंसर का नामो निशान नहीं था। इस घटना को 24 वर्ष बीत चुके थे, आज भी सब कुछ सामान्य था। यह कहानी लिखे जाने तक वंदनीय माता की अनुकंपा से उनकी पत्नी का उत्तम स्वास्थ्य आसपास की सभी महिलाओं के लिए एक उदाहरण था। जय गुरुदेव।